तरवरे मन के जोहार मोयला एक्सेल झारखंड के छोड़ा तुम्हें स्वागत करेला हमारे चैनल एक्सेल लाइफ में, जहां हम लाली ना हर सप्ताह एक नया ब्लॉग एक नया जोश के साथ। तो हम पिछले बार लोयला जा रहे प्रोग्राम रहा हमें कर, तो वीडियो ढंग से नहीं बना पा रहे और वीडियो डाल भी नहीं पा रहे। तो मेरा वीडियो देखा स्टेज के पीछे हम का मस्ती करेला उला और बतावा कैसा है। तो हमें लोयला ग्राउंड पहुंच जाए, अभी हम इनकर परफॉर्म हमें टाइम हो और देख ले एंट्री हमें अभी लेवा थे। भाई मन ही अभी एक ठो ददवा डायरेक्ट जमशेदपुर से चला, तो इनके अंदर का सीन दिखाई ला अभी। तो यहाँ पर झारखंडी शार्क टैंक चला था अभी जगन, नया नया जो बिजनेस करे ना उमन के मन सपोर्ट करे ना पैसा वैसा दे के। तो अभी परफॉर्मेंस से पहले हम अभी थोड़ा सा रेस्ट करे थी और भाई मन ही रेडी हुआ था सब। हमारे जिम पार्टनर रोनिदा और इन्हें बीट बॉक्सिंग बॉक्सिंग भाई मैंने पूरा एकदम लोहरदगा पब्लिक अनिरुद्धपुर के और भी भाई मैंने है उन्हें सब रेडी हुआ था और हम इन बैक स्टेज में ही अब रेडी हुआ थी जाए ले। चल। तो भाई लोग रेडी ना सब रेडी हो सेटअप लगा था, ऑडियंस आ जाए और हम भी रेडी है, पर सुसु लगा था वो हमके बहुत जोर से। हेलो YouTube, वेलकम टू माय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज एंड सक्रेस द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। एवर बीट बॉक्सिंग हल्का सा ए आगे बाद में सुनना तुम लोग। परफॉर्म करने वाले हैं, बोलिए। हेलो गाइस, हम परफॉर्म करने वाले हैं, हमको पता नहीं कैसा। ओके लेकिन परफॉर्म ऐसी करना है भाई, बता रहे हैं काले छोड़ी माने काले ऐसा करना छोड़ी के चक्कर मैडम से बात कर रही लड़का। Hey!
रैंप वॉक बेबी रैंप वॉक। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, ऐसा नहीं भाई, हीरो की टसन माफिक चलने को मांगता है। चेहरे में मुझे चेचक के दाग भी अच्छे लगते हैं। बस 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 वसूली भाई काट डाले अबे बस बस कंटेस्टेंट आने वाले हैं जो कि झारखंड से है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संदीप। और आप आज कौन सा ट्रैक परफॉर्म करने वाले हैं? मैं झारखंड का नागपुरी गाना परफॉर्म करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करिए। अरे रुकिए ना जी, आप जज होकर दूसरा को बता रहे हैं। चलिए बजिए। नहीं, झारखंड में हम नागपुरी में बजिए ना। अच्छा नागपुरी में। मुंबई मुंबई से झारखंड आ रहे हैं। आपको टिकट मेल कर दिया जाएगा। तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, अब हमें घर जाती। बहुत हार्ड लग लो, ब्लॉग ज्यादा नहीं बना ली। और विकास दा का चैनल में आ जाओ तो वीडियो एक से एक कि पूरा बनाए हो, हम तो नहीं बना पा ली। लेकिन देखवा हमार वीडियो भी और पूरा फैली करवा। जरूर जोहार झारखंड बाय। जैसन कि तुहन अभी लोयला का प्रोग्राम देख लेला, वैसने और तो प्रोग्राम होए वाला हो जो कि रांची यूनिवर्सिटी में होए वाला हो 12 और 13 नवंबर के। तो हम इन मीटिंग में जा रही, और मीटिंग में का बात होल तुहन एक बार सुन लेवा। थैंक यू सो मच इंडिजिनियस वेलफेयर सोसाइटी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आपको बताना चाहूँगी कि आज सुबह 8 बजे मेरा फ्लाइट था, मुझे यहाँ से स्टेट छोड़ना था। अगर जब फिर आए थे तब मेरे बाबा ने मुझे मेरा फ्लाइट पोस्टपोन कराया, और मुझे उस समय थोड़ा सा इरिटेशन भी हुआ क्योंकि स्केड्यूल चेंज हो रहा था। मगर यहाँ पे आने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद, आप लोगों का टैलेंट जानने के बाद, एवरी थिंग वॉज वर्थ इट। और मैं इतनी खुश हूँ यहाँ पे, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इस ग्रुप का, इस मीटअप का पार्ट बनी। एंड आप लोगों को मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बाबू किसी चीज़ को भी सपोर्ट करना है, उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज बनाना हमारा काम है। मैंने जिस तरह से मीडिया में भी कहा इस बात को, आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे अदर स्टेट्स में, चाहे मेघालय हो या अरुणाचल हो, ये सारे स्टेट्स में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल्स या आपका ऑरेंज फेस्टिवल्स होता है, नेम इट, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं इसी लेवल में स्टार्ट हुए। दे हैड नो गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप्स, किसी तरह का भी उनके पास स्पॉन्सरशिप या सपोर्ट नहीं था। मगर अगर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ गवर्नमेंट उनके ऊपर टूरिज्म की रिलाई करता है, तो 7 days का ये फेस्टिवल होता है, फुली स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट। लोग ट्रैवल करते हैं डिफरेंट स्टेट से, बॉम्बे से, दिल्ली से लोग ट्रैवल करते हैं इस फेस्टिवल के लिए। ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है मतलब इसी चीज़ को, इस फेस्टिवल को हम लोग वहाँ तक पहुँचा। एक एक जन में टैलेंट है, अनडाउटेडली यू आर वेरी टैलेंटेड। इसको हम लोग जैसे सुदर्शन जी ने बोला, सुरेंद्र जी ने बोला,
जिस तरह से हम लोग को इसे प्रोफेशनल एक लाने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज तरीके से हेल्प की ज़रूरत है, ये हमारा एक मौका रहेगा कि हम लोग इसको कैसे जो गवर्नमेंट का जो आईबॉल्स है, गवर्नमेंट का अटेंशन है, उसको हम लोग कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं इस्लाम का। सो गिव योर बेस्ट, इसको अभी से आप लोग अपने सोशल मीडिया में, अपने चैनल्स में इसको प्रमोट करना शुरू कर दो, ताकि व्हेन दिस फेस्टिवल हैपन रिक्शा मंडप छोटा पड़ सके। एंड आई एम विजुअलाइज, मैं इसको देख सकती हूँ एक बहुत बड़ा स्टेट के लिए रेवेन्यू ऑप्शन बन रही है, टूरिज्म ऑप्शन बन रही है। अरे सरकार चाहती है चीजों में स्पेंड करना, सरकार के पास अगर झारखंड में लोग आते हैं बोलते हैं टूरिज्म के लिए कुछ चीज नहीं है, यहाँ We'll give them option. हम लोग बना के उनको प्रोडक्ट देंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे यू सेंड दिस फॉर अस। तो ये मौका है हमारे पास, स्टे ऑर्गेनाइज, स्टे इंटैक्ट नेक्स्ट टाइम। और मैं एक और सजेशन देना चाहती हूँ, अमर जी, सुरेंद्र जी का जो मूवी, प्लीज उसे 5th को यहाँ पे स्क्रीन करें। मेक इट अ पेड इवेंट, पेड इवेंट होगा 50 रुपये 100 का, वट एवर यू ऑल, आपका फीस है उसे डिसाइड करिए, जितने आज लोग आए उतने ही लोग आएंगे या 50 लोग एक्स्ट्रा आएंगे, मगर प्लीज 5 तारीख को यहाँ पे इनका मूवी स्क्रीनिंग करवाइए। ऐसा है कि आप लोगों से मैं ज़्यादा एड्रेस नहीं कर रही हूँ, मगर इफ यू ऑल हैव एनी डाउट तो आप लोग शशि जी हैं, अमर जी हैं, नीलम जी हैं, आप लोग मुझे रीच कर सकते हैं एंड आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये वीडियो तुम्हें कैसा लगला कमेंट में जरूर बतावा, और लाइक शेयर जरूर करवा वीडियो के, और देख लेवा छवा माने कैसा किचन के रहना वीडियो बनाने में, इवन के पाप लगता देख लेवा सब किचन के रहना ठीक, तब वीडियो में ऐसने प्यार देते रहा, और कैमरा मैन के भी देख लेवा एक बार। अभी चल जाते।